क्या एसआरके के डॉन 3 छोड़ने के बाद प्रियंका ने कहा इस फिल्म को हाँ? डॉन 3 में क्या रणवीर सिंह के साथ प्रियंका चोपड़ा का नाम हुआ कंफर्म? लेकिन क्या डॉन 3 की वजह से कटरीना और प्रियंका की फिल्म जीले जरा हो जाएगी स्टॉल्ड? फरहान अख्तर ने कुछ समय पहले ही जब डॉन 3 के टीजर को अनाउंस किया था तो उसमें रणवीर सिंह को देखकर साफ हो गया था कि एसआरके ने ले लिया है इस फिल्म से ब्रेक। एसआरके ने अपनी इस हिट फ्रेंचाइज को क्यों छोड़ा इस पर कोई अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन फरहान अख्तर के पोस्ट को देखकर यही लगता है कि एसआरके से बातचीत करने के बाद ही उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और अब एसआरके की इस फिल्म से आउट होने के बाद खबर आई है कि प्रियंका चोपड़ा यानी जंगली बिल्ली इस फिल्म में वापसी कर रही हैं। जी हाँ, रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दी है और यूएसए से इस फिल्म की शूटिंग के लिए आने वाली है। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है फरहान अख्तर इज नाउ prioritizing Don 3 over Jile Zara as the male cast of Jile Zara is yet to work out. He will now go ahead full throttle with Don 3 with Ranveer Singh and Priyanka Chopra. यानी प्रियंका चोपड़ा ने भी डॉन 3 को प्रायोरिटी दे दी है और ऐसा लग रहा है कि कटरीना, आलिया और प्रियंका की ऑल गर्ल्स फिल्म फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चली गई है। दरअसल जीले जरा की अनाउंसमेंट डॉन 3 से पहले ही हुई थी, लेकिन रिपोर्टेडली फिल्म की फीमेल कास्ट की अवेलेबिलिटी और फिल्म के मेल कास्ट के फाइनलाइजेशन में हो रही देरी की वजह से इस फिल्म को आगे के लिए पुश कर दिया गया है और फरहान अख्तर ने अपना पूरा ध्यान डॉन 3 को बनाने में लगा दिया है। लेकिन यहाँ कटरीना और आलिया को तो घाटा हो गया है, बट प्रियंका रिपोर्टेडली जीले जरा के अपने डेट्स डॉन 3 के लिए दे रही हैं। यानी पीसी रही फायदे में। क्या आप भी एक्साइटेड हैं प्रियंका चोपड़ा को डॉन 3 में देखने के लिए?